ज्वेलर्स का लड़का ज्वेलर्स ही बनेगा, अब ऐसा नहीं है। समय बदल चुका है और इस आधुनिक युग में बच्चे सीए, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। ऐसे विचार कल्याण शहर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मूता ने व्यक्त किया है। मंगलवार को कल्याण के गोपाल कृष्ण होटल में आयोजित सम्मान समारोह में कल्याण ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा समाज के होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने हाल ही में एचएससी, एसएससी, सीए, इंजीनियर एवं मेडिकल की परीक्षा में अव्वल अंक लाकर समाज का नाम रोशन किया है। इस मौके पर कल्याण शहर ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश मूता के अलावा प्रकाश शंकलेशा, मदन शंकलेशा, जयंती भाई जैन एवं भूषण शाह सहित तमाम लोग मौजूद थे। समारोह में यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट रक्षिता जैन का विशेष सम्मान किया गया। साथ ही जैन समाज के डॉक्टरों का सम्मान किया गया, जो इस साल अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका सूत्र संचालन अजीत जैन ने किया। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज, कल्याण। आज कल्याण शहर में हमने कल्याण शहर ज्वेलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो बच्चे 10वीं 12वीं में कुछ डॉक्टर्स है, कुछ सीए है, जो टॉपर्स आए उनका हमने सत्कार समारोह रखा था। ये सत्कार समारोह रखने का हेतु ये है कि जो बच्चे इतनी मेहनत करके पास हुए उन्हें उनकी मेहनत का किसी ने रिकग्नाइज करना चाहिए, वो हेतु से हमने ये कार्यक्रम रखा था। और हमारी उन सभी बच्चों से आगे भी शुभेच्छा हमारी उनके साथ में, और साथ साथ में और आगे तरक्की करे, ये हमारी उनको शुभेच्छा है। जैसा कि देखा जाए जो जो खानदान है, जैसे जैन परिवार है और जो लोग हैं, ज़्यादातर उनका जो एक उद्देश्य रहता है कि वो बिजनेस की तरफ ही दौड़ते हैं, दुकान फैमिली बिजनेस है, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है ये प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए आगे बढ़ रही है, इस बारे में क्या कहना है? एक दौर था कि ज्वेलर्स का बच्चा ज्वेलर्स बने ये सोच रहती थी, बट आज वक्त बदल गया है। बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड है और उन्हें पता चल गया है कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है, तो उन्होंने आज उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज जहाँ तक देखा है हमारे समाज में से भी काफ़ी सारे बच्चे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं, आज उन्हें सीए बनना है, कुछ को एडवोकेट बनना है, कुछ को डॉक्टर बनना है, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज की और उनको उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट हम तैयार हैं, हम और हम दिल से चाहते हैं कि वो भी कुछ प्रोफेशनल कोर्स करके आगे बढ़े, यही हमारी दिली इच्छा है।